हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। बच्चों, फ्रॉम अर्लियर क्लासेस वी लर्न अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स मैनी थिंग्स इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज नेचुरली एंड ऑल्सो वी आर मेकिंग आर्टिफिशियली दोज विच आर सोर इन टेस्ट। जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, है ना। बेसिस विच आर बिटर सॉपी टू टेस्ट बिटर है ना सॉरी सॉपी टू टच बिटर इन टेस्ट एंड द सॉल्ट दे आर द वॉट ऑफ न्यूट्रल। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द इंडिकेटर्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। वॉट डू एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड एंड बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर। इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच सम सॉल्ट देयर प्रिपरेशन एंड यूजेस। स्टूडेंट्स, एसिड्स एंड बेसिस इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ें, उनके पहले आपको हम बता दें कि सिंपली एसिड्स हमने कहा कि सॉर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस बेटर इन टेस्ट होते हैं। अलोंग विथ अगर हम कहें तो दे आर कोरोसिव। तो हम इन्हें टेस्ट करके ये पता लगाना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि एसिड्स और बेसिस कोरोसिव होते हैं, मीन्स दे कैन कॉज द कोरोशन, द स्किन शुड बी बर्न, है ना। देयर मे बी हैपन, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर टू चेक द सब्सटेंस आर एसिड्स और बेसिस वी यूज सम इंडिकेटर्स। हम क्या यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर द स्टार्ट इट इज़ अबाउट ऑफ इंडिकेटर्स। अ कॉम्प्लेक्स नेचुरली और मैन मेड सब्सटेंस विच चेंज इट्स कलर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचुरली या मैन मेड, दैट आर द सब्सटेंस विच चेंज द कलर। एसिड और बेस सॉल्यूशन में इनके कलर्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, एंड सो दे आर टर्म्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। दे आर क्लासिफाइड एज नंबर वन नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंपल एग्जाम्पल यू हर्ड फ्रॉम द लोअर क्लासेस अबाउट वॉट ऑफ लिटमस। लिटमस पेपर के बारे में आपने पढ़ रखा है ना। इट इज़ अ पर्पल कलर्ड डाई दैट एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो कि थैलोपाइटा प्लांट ग्रुप में आते हैं। इन एसिड्स द ब्लू लिटमस टर्न इन टू रेड एंड इन बेस द रेड लिटमस टर्न इन टू ब्लू। अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स वी यूज लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, है ना। कई बार आपने देखा ना टर्मरिक, हम समटाइम्स वी आर गोइंग टू ईटिंग इन पार्टीज एंड वॉट एवर, है ना। सम कड़ी और है ना दाल, दैट्स वॉट ऑफ फॉल ऑन द क्लॉथ, इट्स बिकम्स येलोइश। ओके, तो दिस इज द येलोइश वॉट ड्यू टू द टर्मरिक। व्हेन यू अप्लाई द सॉप, जब हम उसको सॉप से अच्छे से है ना क्लीन करते हैं, रगड़ते रहते हैं, क्लीन करते हैं, तो इट्स वॉट ऑफ टर्न टू द पिंकिश एंड वैनिश। सो इट इज द वॉट ऑफ टर्मरिक, दैट इज अ इंडिकेटर। कलर्ड पीटर्स ऑफ फ्लास that are like example of China rose. These are some natural indicators we use in the laboratories. The next synthetic indicators. Synthetic means man-made, and a manufactured in the industries. Example, phenolphthalein, methyl orange, that are used to test the acids and bases. They also change their colors in acidic and basic solution. The next is olfactory indicators. Students, olfactory हमारी body में जैसे receptor olfacto से meaning होता है smell या odor. तो olfactory indicators क्या होते हैं, the substances that change their odor means smell in acids or basic medium, they are what of olfactory indicators like vanilla, clove oil, onion. Okay, so these are the change smell in acid or base. Now we start acids.
व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं। सिंपली अगर हम एसिड्स को डिफाइन करते हैं तो दे आर सॉर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं। अगर हम उसको डिफाइन करें तो एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच गिव एच प्लस आयन, व्हाट दे आर गिव एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड्स। तो दीज एसिड्स व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर व्हाट दैट गिव एच प्लस आयन। तो हमें एसिड्स को डिफाइन करना है तो अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दोज सब्सटेंस विच गिव एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल्स यू शुड लर्न। द नेक्स्ट इट इज बेसिस। अगर हम सिंपली बेस को डिफाइन करें तो दे आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, कड़वे होते हैं। और अगर हम डेफिनेशंस लिखें उसी बेस की तो दोज सब्सटेंस विच गिव OH हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एटसेट्रा। सो दीज आर बेसिस विच गिव OH माइनस आयन इन एक्वस, एक्वस मीन्स वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। नाउ एज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज दे हैव, व्हाट इट इज, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अगर हम एसिड सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को चेक करेंगे तो वो ब्लू कलर चेंज होकर के रेड हो जाएगा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। दे आर कोरोसिव इन नेचर, है ना, एंड दे आर सॉर इन टेस्ट। सो दीज आर सम ऑफ द सिंपल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इन दैट द फर्स्ट वी आर लुक द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, इट्स गिव प्रोडक्ट मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ हम देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया है जिंक ZN प्लस H2SO4, ये गैस मेटल है, ये एसिड है, दैट गिव मेटल सॉल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। द एक्टिविटी यू आर लुकिंग, फर्स्ट वी टेक अ हार्ड बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब यू आर टेक सम ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक, क्या लिए हमने, जिंक ग्रैन्यूल्स, एंड यूजिंग एन एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दिस ट्यूब इज वॉट ऑफ कनेक्टिंग विद द डिलीवरी ट्यूब दैट फॉल इन अ टफ कंटेनिंग सॉफ्ट सॉल्यूशन। ओके, सॉफ्ट सॉल्यूशन बिकॉज द गैस मेक बबल्स विद द वॉट ऑफ सॉफ्ट। व्हेन द रिएक्शन इज स्टार्ट, द बबल्स ऑफ गैस कम्स आउट फ्रॉम द दिस टब। दिस गैस इज कंटेनिंग हाइड्रोजन। अब बच्चों, ये गैस हाइड्रोजन है या नहीं है उसे हम पता कैसे लगाते हैं, तो वी कैन यूज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। द टेस्ट नेम इट इज पॉप साउंड टेस्ट। क्या नाम होता है उसका, पॉप साउंड टेस्ट, आपको दिखाई दे रहा है। इफ वी टेक अ बर्निंग स्प्लिंटर, है ना, मैचस्टिक भी ले सकते हो आप और एक मोमबत्ती भी ले सकते हो। इफ वी टेक अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द बबल्स ऑफ गैस, इट बर्न विथ अ पॉप साउंड। इफ इट बर्न विथ पॉप साउंड, वी कैन से द गैस इज वॉट ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली कम्बस्टिबल गैस। ओके, सो दिस इज द वॉट ऑफ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। द सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दैट वॉट फॉर्म मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रोडक्ट आर फॉर्म सोडियम सॉल्ट NaCl, वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम इफ इट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट अगेन फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लुकिंग इन टू द एक्टिविटी, वी आर टेकिंग अ हार्ड बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, इन दैट वी आर टेक सम सोडियम कार्बोनेट, ये आपको दिख रहा है सोडियम कार्बोनेट, एंड डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स।
The reaction is going on. After the reaction, the gas is formed, which is collected by delivery tube. The gas is brought up here, carbon dioxide. अब students, the gas is CO2. यहाँ जो गैस बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम क्या टेस्ट यूज़ करेंगे? तो आप जानते हैं कि CO2 जो होता है, इट एक्सटिंग्विश फायर. CO2 आग को बुझाने का काम करती है. अगर हम कोई भी एक बर्निंग स्प्रिंटर, इफ़ यू टेक अ बर्निंग स्प्रिंटर नियर द डिलीवरी ट्यूब फ्रॉम वेयर द गैस इज कमिंग, दैट बर्निंग स्प्रिंटर इट इज़ एक्सटिंग्विश, वो बुझ जाता है. अगर वो एक्सटिंग्विश हो रहा है, इट मीन्स गैस कौन सी है? CO2. नेक्स्ट इट इज, इफ दिस CO2 इज पास्ड ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सिंपली हम इसको क्या कहते हैं? लाइम वाटर. सिंपली व्हाट इट इज सेड टू बी द लाइम वाटर. इफ दिस CO2 इज पास्ड ओवर द लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ये लाइम वाटर को क्या करता है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. इफ यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस, इट इज द वॉट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, दैट प्रोडक्ट इट फॉर्म ईयर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. इन दिस इफ यू आर पासिस इन एक्सिस CO2, अगर इसी प्रोसेस में हम एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, तो वी आर गोट अ वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्या बन जाता है? एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. So here you are looking the test for carbon dioxide gas. What it is? It extinguishes fire and it turns lime water milky. The third reaction is reaction of acid with base. Simply it is neutralization reaction. Acid or base when react together, what they form? Salt and water. जब acid base से react करता है तो product बनता है salt and water. For example, HCl plus NaOH, एक एसिड एक बेस, प्रोडक्ट क्या बना? NaCl H2O, सॉल्ट एंड वाटर. द सेम वे द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स, एक मेटेलिक ऑक्साइड वैन रिएक्ट विथ एसिड्स, इट्स फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस वाटर. द प्रोडक्ट आर सेम एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इट मीन्स वन ऑफ द एसिड द अदर इज बॉट ऑफ बेस. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, वॉट फॉर्म? कॉपर क्लोराइड प्लस H2O. तो हियर वी कैन से द मेटेलिक ऑक्साइड्स दैट आर द वॉट ऑफ बेसिक इन नेचर. मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. नाउ वी आर सी द अबाउट द बेसिस प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, सॉपी टू टच. दे टर्न रेड लिटमस इन टू ब्लू. ये रेड लिटमस को क्या करते हैं? ब्लू. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन. बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर, दे आर सेट टू बी एल्केलीज. समटाइम्स आस्किंग डिफाइन एल्केलीज. तो एल्केलीज को अपन डिफाइन क्या करेंगे कि बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर आर वॉट कॉल्ड एल्केलीज. ओके, एग्जाम्पल NaOH, ठीक है ना, KOH, दीज आर द वॉट ऑफ एल्केलीज. नाउ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज of bases. The first one, reaction of a base with metal. जब एक metal base के साथ react करता है तो it what form? Metal salt and hydrogen gas. Very important reaction it is. When zinc metal react with sodium hydroxide, Zn plus NaOH, that give the product of sodium zincate. ये जो product बन रहा है यहाँ पर, what is name? It is sodium zincate plus liberate hydrogen gas. Again we can check the hydrogen gas with the vote of pop sound. Is gas ko apan kisse check karte hain? With the pop sound. Now we learn about the acid and base. Ab hum dekhte hain ki in acid aur base mein common kya hai. To students, common humne dekha ki both of that acid or base give ions in aqueous solution. इन एक्वस, जैसे एसिड आपने पढ़ा, एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या करते हैं एसिड्स? एच प्लस आयन. एंड यू आर लुकिंग बेस, बेस इज वॉट गिविंग? OH माइनस आयन. दे आर वॉट ऑफ गिविंग इन टू द वॉटर. सो दे वॉट इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी.
They give ions in aqueous solution and conduct the electricity. You are looking, theek hai na, an activity. In activity, we are taking a beaker. In beaker, we are putting a rubber cork. On that, the two nails are fitted. With two nails, we are connecting a battery, a bulb, switch. Okay. Now, in a beaker, we are first taking acid solution in water. जब हम एसिड सॉल्यूशन लेते हैं तो व्हाट वी आर लुकिंग द बल्ब इज लाइटेड. इफ यू आर टेकिंग अ बेस सॉल्यूशन इन वाटर वी आर लुकिंग द बल्ब इज लाइटेड. नाउ दिस इज व्हाट ऑफ रिप्लेस बाय टेकिंग दैट इज अल्कोहल. अगर हम इसमें क्या लेते हैं अल्कोहल, अल्कोहल दैट इज C2H5OH, वी आर लुकिंग द बल्ब इज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं होता है. सेम इफ यू आर रिप्लेस द एल्कोहल विथ ग्लूकोज, अगर हम यहाँ पर एल्कोहल को रिप्लेस करते हैं ग्लूकोज Li6H12O6. अब बच्चों आपने देखा कि एल्कोहल ग्लूकोज दैट ऑल्सो हैविंग OH एंड हाइड्रोजन आयन बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज अ क्वेश्चन यू आर आस्किंग. तो हम लिखते हैं बिकॉज दे डू नॉट गिव आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन सो दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, so this is the common in acid and base. Aqueous solution they give ions and ion carrying the charges by what they conduct the electricity. This is all of your first part of the chapter is complete. I hope you learned very nicely. Thanks all for today.